हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेलीग्राम में चैनल कैसे बनाते हैं। टेलीग्राम एक क्लाउड बेस्ड मैसेंजिंग ऐप है, तो जो भी चीज़ आप डालेंगे या जो भी आप इस चैनल में रखते हैं वो आपके डिवाइस में सेव नहीं होता। ये टेलीग्राम का एक बहुत बड़ा बेनिफिट पॉइंट है। इसका सारा मैसेज, सभी चीज़ें टेलीग्राम के सर्वर पर जाती हैं, तो ये आपका बहुत ही लाइट मैसेंजिंग ऐप है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे ये तीन लाइन दिखाई पड़ी है। ये मैं अपने डेस्कटॉप पे काम कर रही हूँ, लेकिन सेम प्रोसेस आपको अपने मोबाइल पे भी दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे गए और न्यू ग्रुप और न्यू चैनल। न्यू ग्रुप के बारे में सभी को पता है कि कैसे ग्रुप क्रिएट होता है, लेकिन व्हाट्सएप के कंपेरिजन यहाँ पे 2 लाख ग्रुप मेंबर बनाए जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं न्यू चैनल की, तो हम यहाँ पे न्यू चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो हमने इसे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने चैनल का नाम रख दिया है। अब इसका डिस्क्रिप्शन डालना है और ये चैनल मैंने क्रिएट कर दिया। तो ये चैनल दो तरह से तैयार होता है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। प्राइवेट चैनल का मतलब है कि आप सभी को लिंक पर्सनली भेजेंगे कि ये इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और पब्लिक का मतलब है जो कि सबके लिए है। तो मैं यहाँ पे अभी प्राइवेट कर देती हूँ। प्राइवेट चैनल सेव करते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐड मेंबर। तो हम यहाँ पे जिसे भी चाहते हैं हम उसी को ये लिंक शेयर करेंगे और वो इस लिंक के जरिए हमारे चैनल में आ सकता है। ये मैंने अभी स्किप कर दिया है, मैं अभी यहाँ पे किसी को इनवाइट नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं टेक्नो ट्यूटोरियल करके हमारा चैनल रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर चैनल को मैनेज करेंगे। तो चैनल को मैनेज करने के लिए यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिखाई पड़ रहा है, हम उसे क्लिक करेंगे, मैनेज चैनल पे जाएंगे। पहले हम अपने चैनल को सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको पब्लिक करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो हमने चैनल क्रिएट किया था उसका नाम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया। आप चाहें तो और यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने चैनल के बारे में। यहाँ टाइप्स है, आप यहाँ पे क्लिक करके प्राइवेट और पब्लिक दोबारा से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आता है डिस्कशन का। डिस्कशन यहाँ पे एक चैनल के अंदर ही एक सब चैनल बन जाता है, जिसे हम ग्रुप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ग्रुप बनाना होगा ताकि जो भी हम चैनल में बातें डालें या जो भी चीज़ें हम पोस्ट करें, हम वहीं पे ही चैट ना करके, एक छोटा सा ग्रुप है, हम उस ग्रुप में जाकर पर्सनली चैट कर सकते हैं, ना कि हम चैनल में बात करें। तो हम पहले यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं, क्रिएट न्यू ग्रुप। यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख के आ जाता है टेक्नो ट्यूटोरियल चैट, और डिस्क्रिप्शन आप डाल दें, उसके बाद क्रिएट कर दें। जब ये क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे डिस्कशन की जगह पे निकल के आएगा टेक्नो ट्यूटोरियल चैट। ये हमारा ग्रुप क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे इसको हम लिंक कर देते हैं, लिंक ग्रुप कर देते हैं। यहाँ डिस्कशन में लिखा हुआ है, तो जो भी सब्सक्राइबर हमारे कंटेंट को देख रहा है उसको बात करनी होगी, तो नीचे के पैनल में डिस्कस लिख कर आएगा और वो उसे क्लिक करेगा। टेक्नो ट्यूटोरियल चैट में आराम से वो चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन में हमारा इस ग्रुप को सेलेक्ट किया है। तो इस तरह आप कई ग्रुप बना सकते हैं और उसको लिंक कर सकते हैं अपने एक चैनल से। अब यहाँ पे साइन मैसेज, इसका क्या मतलब है? साइन मैसेज का मतलब ये है कि अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो जो भी आप मैसेज डालेंगे उस मैसेज के साथ आपका जो भी प्रोफाइल में नाम है वो दिखाई पड़ेगा, और अगर आप इसे बंद कर देंगे तो वो नाम आपका नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये मैं आगे करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से होगा। तो ये साइन मैसेज है, एडमिनिस्ट्रेटर आप हैं। आप चाहें तो इसमें किसी और को बना सकते हैं एड एडमिनिस्ट्रेटर करके, आप जिसे भी चाहें। ये आपको सभी को पता है कैसे बनता है। इसके बाद यूजर को रिमूव करना है, रिसेंट एक्शन है, कौन सा एक्शन यहाँ पे हुआ है उस चीज के देखते हैं। यहाँ पे आपको अपने सब्सक्राइबर दिखेंगे और यहाँ से आप अपने चैनल को डिलीट कर सकते हैं। आप अगर अपने चैनल से लीव कर जाएंगे तो आप अपने चैनल को डिलीट नहीं कर पाएंगे, अगर आप चाहते हैं तो। यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने चैनल को डिलीट करते हैं तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके पास वो सारे कंटेंट खत्म हो जाएंगे जो भी आपने पोस्ट किए हैं। तो ये आप सोच समझ के डिलीट कीजिएगा या अपने ग्रुप से मूव कीजिएगा। अब हमने यहाँ पे सेट कर लिया है, हमने अभी भी अपने चैनल को प्राइवेट रखा है और हमने यहाँ पे एक ऑलरेडी ग्रुप बना रखा है। अब इसे मैं सेव करती हूँ। ये यहाँ पे हमारा एक पूरा चैनल तैयार हो गया है। कोई लिंक डालते हैं, वैसे मैं अपने यूट्यूब
वीडियो की लिंक डालती हूँ और इसे सेंड करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ये वीडियो मैंने सेंड की, यहाँ पे एक व्यू का साइन आ रहा है। अब हम अपने मैनेज चैनल पे चलते हैं ताकि उस फीचर को भी समझ लें कि यहाँ पे क्यों है ये। तो यहाँ पे आपको साइन मैसेज दिख रहा है, अगर हम इसको ऑन कर देते हैं और सेव करते हैं और सेकेंड टाइम हम फिर से इसी वीडियो को सेंड करते हैं तो आप देख रहे हैं जो भी हमारे प्रोफाइल में नाम था वो मेरे यहाँ पर लिखकर आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका साइन मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो तो आप यहाँ पे इसको करें, और नहीं तो आप सिंपल सिर्फ आप व्यू काउंटिंग के ही साइन रहने दें। तो ये यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि साइन मैसेज क्या है। चलिए हम इसके और फीचर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे व्यू चैनल इन्फो, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, कितनी लिंक शेयर हुई है, कितने सब्सक्राइबर हैं, सेकेंड डिसेबल नोटिफिकेशन, आप इसको यहाँ पे नोटिफिकेशन उसको बंद कर सकते हैं। मैनेज चैनल को पूरे जितने भी फीचर्स थे मैंने बता दिए। एड मेंबर, आप इसके बारे में जान चुके हैं। क्रिएट पोल, आप यहाँ से अपने पोल्स क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ये देखा जाए तो टीचर्स के लिए या जो भी इस तरह एजुकेशन फील्ड में है उनके लिए चैनल बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ से आप पोल भी क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं, मल्टीपल आंसर ले सकते हैं। क्विज मोड भी है तो आप उसे भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट चैनल हिस्ट्री है, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है, तो आप इसको भी अच्छे से समझ लें। एक्सपोर्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे चैट एक्सपोर्ट सेटिंग आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आप अपने डिवाइस में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करें। आप फोटो लेना चाहते हैं या वीडियो फाइल्स उठाना चाहते हैं, स्टिकर, जिप, जो भी चाहते हैं आप उसको टिक कर सकते हैं, और टिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका फॉर्मेट भी आप देख लें कि ये आपका कहाँ पे सेव हो रहा है। तो आप अपने डाउनलोड्स टेलीग्राम डेस्कटॉप करके एक फाइल तैयार होगी, सारे फोटो, वीडियो फाइल्स, वॉइस मैसेजेस जो मैंने यहाँ पे टिक किए हैं वो सारे एक्सपोर्ट होके आपके डिवाइस में सेव हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। उसके बाद लीव चैनल है, ये आपका चैनल है तो आप इसको लीव मत कीजिए। अगर आपको नहीं चलाना है तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। बंद करना है तो आप डिलीट कीजिए, और अगर आप किसी और को देना चाहते हैं तब आप इस चैनल को लीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रहे सारे चैनल्स के फीचर्स। अब हम इसी चैनल के अंदर जो चैट के ऑप्शन है वहां चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंबर को इन्वाइट करते हैं, क्योंकि ये मेरा प्राइवेट चैनल है तो यहाँ मैं पर्सनली किसी को बुलाना होगा और उसे ऐड करते हैं। इस विंडो को भी पहले मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे थ्री डॉट्स पे जाते हैं, मैनेज ग्रुप में जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ परमिशन है, ये परमिशन आप सारी देख लीजिए। आपको किस तरह की परमिशन अपने जो भी सब्सक्राइबर हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं आप उन्हें क्या क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं। और यहाँ पे स्लो मोड का मतलब है एक सब्सक्राइबर को कम से कम 10 सेकेंड या 30 सेकेंड के लिए, जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हैं एक इंटरवल है, टाइम इंटरवल है, तो आप कितने सेकेंड तक के लिए उनको ब्रेक देना चाहते हैं। कभी कभी कोई सब्सक्राइबर इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं या उनके इतने सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी आते हैं तो आप नहीं चाहते हैं, तो आप उनको एक अंतराल दे सकते हैं, यानी कि उनको टाइम इंटरवल दे सकते हैं कि पहला क्वेश्चन अगर उन्होंने 0 सेकेंड में दिया है तो दूसरा क्वेश्चन उनका 30 सेकेंड के बाद ही आएगा। तो ये आप यहाँ से स्लो मोड से आप सेट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं 10 सेकंड पे रखती हूँ तो ये मुझे कोई भी सब्सक्राइबर अब दूसरा क्वेश्चन 10 सेकंड के बाद ही यहाँ पे हम सेव करते हैं। अब अगर आप ग्रुप को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, आप ग्रुप को डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि आपने चैट विंडो एक अलग बनाई है, तो अगर आप चाहते हैं तो इस ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे सेव करते हैं और सेम सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाई। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास एक फाइल भी आई है, ऑडियो फाइल, इसको लाने का भी एक रीजन है। अगर आप इसे ऑन करते हैं और इसे जल्दी सुनना चाहते हैं, कभी कभी कुछ ऑडियो फाइल इतनी बड़ी होती है कि आप उसे थोड़ा जल्दी सुनना चाहते हैं, तो जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं यहाँ पे 2x हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए। तो यहाँ पे आपको 2x दिखाई पड़ता है, आप इसे क्लिक करें। तो यहाँ पे ये 2x को जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियो डबल की स्पीड से चलने लगती है, जैसे कि YouTube में होता है। तो ये रही पूरी जानकारी टेलीग्राम में चैनल बनाने से लेकर उसके सब ग्रुप को बनाने तक।
तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं।